Hello friends, today in this video I will explain the topic coefficient of variation. Coefficient of variation is an important relative measure of dispersion. It was developed by Carl Pearson and is widely used in comparing the variability of two or more series. Formula for coefficient of variation, इसे सीवी के नाम से भी जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। तो हम इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन और अर्थमेटिक मीन। यूजेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टू और मोर सीरीज। द सीरीज हैविंग लेस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is considered more consistent in comparison to a series having a higher value of coefficient of variation. आइए समझिए कि एग्जांपल की हेल्प से। मेरे पास एक ही छोटा सा एग्जांपल, बैट्समैन एक्स, बैट्समैन वाई। हमें यहाँ पर बैट्समैन एक्स के स्कोर दिए हुए हैं और बैट्समैन वाई के। आइए एक बार स्कोर चेक करें, 4, 5, 7, 8, 6 और इसके 15, 12, 3, 0, 0। बैट्समैन एक्स का अगर टोटल चेक करें, इसके भी स्कोर 30 हैं और बैट्समैन वाई के भी 30 हैं। दोनों ने स्कोर इक्वल किया, दोनों की एवरेज भी बराबर है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है विच प्लेयर इज मोर स्टेबल। एक लेमैन भी इस डेटा को देखकर बता सकता है कि कौन सा बैट्समैन ज़्यादा समय तक टिका रहा। तो हमारा आंसर इसमें एक्स होगा, लेकिन हमें यहाँ पर स्टैट्स की फॉर्मूला यूज करके, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज करके डिसीजन लेना सिखाना है कि कौन सा प्लेयर या कौन सा बैट्समैन ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए पहले कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेरी स्टेटमेंट एक्स 4, 5, 7, 8, 6 एक्स के लिए और y के जो स्कोर थे 15, 12, 3, 0, 0। अगर मैं इसका टोटल करती हूँ तो सिग्मा x है 30 और इसके स्क्वेयर्स 4 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर, 8 का, ये सिग्मा x स्क्वेयर आ गया 190। y का टोटल सिग्मा y इज इक्वल टू 30, y स्क्वेयर 225, 1449 और सिग्मा y स्क्वेयर है 378। आइए कैलकुलेशंस करें आगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला, ये मैंने यहाँ पर यूज किया एक्चुअल डेटा मेथड। एक्चुअल डेटा मेथड की हेल्प से जब मैं वैल्यूज को फीड करती हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया एक्स के लिए 1.41। एक्स बार 6 है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमारा कैलकुलेट होगा 1.41 अपॉन 6, ये वैल्यूज यहाँ पर है, इनटू 100। तो ये हमारे पास आया 23.5। y के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे हम पहले, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन y के लिए हमारे पास आ गया 7.03। y बार या अर्थमेटिक मीन 6 है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है हमारे पास, ये हमने कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन, मीन 7.03 अपॉन 6 इनटू 100, 117.6। डिसीजन कैसे लेंगे? हमारा जो क्वेरी थी विच प्लेयर इज मोर स्टेबल, हमने दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, एक्स के लिए आया 23.5, वाई के लिए आया 117.16। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो प्लेयर ज्यादा स्टेबल होगा। सिंस द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस फॉर प्लेयर एक्स, सो वी कैन से प्लेयर एक्स इज मोर स्टेबल। फ्रेंड्स, आज के हमने इस वीडियो में सीखा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, उसके यूजेस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू माई फ्रेंड्स।